हेलो। स्पेशलाइज्ड क्लाउड आर्किटेक्चर में सेकंड टाइप का आर्किटेक्चर है लोड बैलेंस्ड वर्चुअल स्विचेस आर्किटेक्चर। अब इसमें जो मेन पार्ट है वो क्या है कि वर्चुअल सर्वर्स आर कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू अ वर्चुअल स्विच। कि जो वर्चुअल सर्वर्स होते हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड एक इंटरनेट से या किसी और सर्वर से कनेक्टेड किसके थ्रू होते हैं, वर्चुअल स्विचेस के थ्रू होते हैं। और ये वर्चुअल स्विचेस क्या करते हैं, ये अपलिंक का यूज़ करते हैं। एक अपलिंक इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव द ट्रैफिक, कि ट्रैफिक को वर्चुअल सर्वर से बाहर भेजना और उसके अंदर लाना, उसके लिए क्या करते हैं, ये अपलिंक्स का यूज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब आपका नेटवर्क का ट्रैफिक इंक्रीज करना शुरू करता है। सो लेट अस से ये आउटसाइड वर्ल्ड है, हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। दिस इज दी आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब है सिंपल कोई इंटरनेट हो गई, कोई वेबसाइट हो गई, कुछ भी हो गया। और ये हमारे पास अपलिंक है, और यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल सर्वर्स हैं क्लाउड के। ठीक है, अब अगर सिंगल रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ से तो कोई इश्यू नहीं है। रिक्वेस्ट आई, यहाँ पे गई, यहाँ से ट्रैफिक वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब यहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाती हैं। जब बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी तो ये बहुत सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे भी जाएंगी। सो द अपलिंक डिवाइस हैज़ टू मेंटेन और मैनेज मल्टीपल अपलिंक्स रिक्वेस्ट। अब उसमें प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि इससे जो हमारा ट्रांसमिशन डिले है वो इंक्रीज़ करता है, पैकेट का लॉस होता है, परफॉर्मेंस पे इश्यू आता है। सो द इफ़ेक्ट्स ऑफ द मल्टीपल रिक्वेस्ट इन अ सिंगल अपलिंक सेटअप इज ट्रांसमिशन डिले। आप ये सब लिख लो, इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स क्या हैं जब सिंगल अपलिंक हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसमिशन डिले, पैकेट लॉस, कुछ पैकेट होंगे जो लॉस हो जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे, एंड परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, कि जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, सो ये तो प्रॉब्लम हो गई जब हम सिंगल अपलिंक्स का यूज़ कर रहे हैं। नाउ टू ओवरकम दिस, तो जो लोड बैलेंसर स्विच आर्किटेक्चर है ये क्या करता है, एक लोड बैलेंसिंग सिस्टम को यूज़ करता है। सो इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग द इंक्रीज लोड बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल अपलिंक्स। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल अपलिंक्स का यूज़ किया जा रहा है। और ये जो मल्टीपल अपलिंक्स हैं ये करते हैं क्या बेसिकली, सो दे बैलेंस द नेटवर्क ट्रैफिक। जो ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है उसको वो बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ दिस वर्क्स। अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, आर्किटेक्चर देख लेते हैं किस तरह से काम करेगा। सो बेसिकली हमारे पास एक तो होते हैं वर्चुअल स्विचेस, जो हमने कहा कि किस लिए यूज़ होते हैं, जब क्लाउड को आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करना होता है। सो देर आर एन नंबर ऑफ वर्चुअल स्विचेस विच आर यूज्ड इन द सेटअप। ठीक है, नाउ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वन देयर आर मल्टीपल अपलिंक्स। सो कुछ इस तरह से हम शो कर सकते हैं, सो देयर आर मल्टीपल अपलिंक्स। अब मल्टीपल अपलिंक्स होंगे तो मल्टीपल हमारे पास पाथ्स होंगे। ठीक है, एंड देयर कैन बी अ नेटवर्क डिवाइस जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन में हेल्प करती है, जैसे कि लैन हो गया, राउटर हो गए, कुछ भी हो सकते हैं। और ये हो गया हमारे पास सर्वर्स, सॉरी कंज्यूमर। कोई भी कंज्यूमर है जो क्लाउड सर्विस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी हो सकता है और अदर वे अराउंड भी हो सकता है। सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी रिक्वेस्ट अगर आ रही हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल अपलिंक्स हैं। सो हो सकता है कि कोई एक अपलिंक दो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, कोई एक अपलिंक अगली दो को कर रहा है। सो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है,
मल्टीपल अपलिंक डिवाइसेज हैं जो मल्टीपल रिक्वेस्ट को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकती हैं और जो लोड है उसको बैलेंस कर सकती हैं. सो दैट इज़ हाउ दिस लोड बैलेंस वर्चुअल स्विचेस आर्किटेक्चर वर्क्स. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.